माँ और बहन सबको मेरा सलाम अर्ज करते हैं और आप लोगों के सामने चंद बातें रखते हैं। सबसे पहले आज शाहपुर में विद्यानंदपुर अंचल में जो आप लोग इसमें शामिल हुए कांग्रेस में, उन सबका कांग्रेस परिवार की तरफ से हम आपका इस्तकबाल करते हैं और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों ने हमारी लीडरशिप पर भरोसा रखा है और आप लोगों की भरोसा का ही ये नतीजा है कि हम लोगों को भी ताकत मिलती है और उसी ताकत के ऊपर हम लोग जगह जगह पर आप लोगों का होकर आपकी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, आप लोगों के लिए इंसाफ की बात कर सकते हैं और ये इंसाफ की लड़ाई को करने के लिए एक संगठन की जरूरत है। गरीब मजदूर किसान बेरोजगार हमारी माँ बहन जिन पर किसी भी तरह का समाज में हो, प्रशासन की तरफ से हो, सरकार की तरफ से हो, किसी भी तरह का कोई नाइंसाफी हो या दबाव हो, उससे मुकाबला करने के लिए एक संगठन चाहिए और वो संगठन मजबूत होगा तभी आप और हम अपने लिए इंसाफ मांग सकेंगे, इंसाफ की लड़ाई कर सकेंगे, हक की बात आपकी सरकार सुनेगी। तो उसके लिए कांग्रेस एक मजबूत पार्टी है जिसमें आप लोग शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक अकेली ऐसी पार्टी है जो देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है और कांग्रेस के बाद आज जितनी भी पार्टी आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं चाहे उसका कोई भी नाम हो, ये सारी पार्टी कांग्रेस से निकल कर ही आई है। हर पार्टी कांग्रेस से निकल कर आकर अलग अलग शाखा संगठन में तब्दील हो गई और वो बनते चले गए। जब आज हिंदुस्तान में जो है ये सरकार के पास कोई मंसूबा नहीं है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं सोच रही है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तो ये हर तरह से जो मार झेलना पड़ रहा है वो मार गरीबों को, किसानों को, माँ बहनों को झेलना पड़ रहा है, इससे बचने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। कि इस यात्रा में ये कहा जा रहा है कि जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई है, जल जंगल जमीन को बचाने की लड़ाई है। इसमें यह कहा जा रहा है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान लगाने के लिए हम आए हैं। तो ये जो नफरत का माहौल पूरे हिंदुस्तान में बनाया गया उसके बीच में मोहब्बत की एक दुकान लेके चले हम लोग, ताकि हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर चल सकें, गरीब अमीर, नौजवान बुजुर्ग, माँ बहन सब एक साथ चल सकें। किसान को उसका हक मिलना चाहिए, मजदूरों को उसका हक मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, पढ़े लिखों को नौकरी मिलनी चाहिए, उसके लिए बोला जा रहा है, महंगाई कम होना चाहिए, इन सब चीजों के लिए एकजुट होने की जरूरत है। और इसी की कोशिश कांग्रेस लीडर के तौर पर राहुल गांधी कर रहे हैं और उनका समर्थन हम लोग कर रहे हैं पूरे देश में, और उसका बंगाल में भी आप लोग यात्रा निकाले, उसको देखे आप लोग की कानकी से लेके चकलिया जो यात्रा आया, उसके बाद ये यहाँ से होते हुए कर्शियन चला गया। तो इस सब चीज की जरूरत इसलिए है कि हम लोगों को जुड़ के रहना होगा मजबूती के साथ, क्योंकि एक बचपन में हम लोग किताब में पढ़े हैं कि उसके साथ हम लोगों को चलना चाहिए। आज जो हालात है कि बीजेपी और तृणमूल का जिस तरह का माहौल बंगाल में और हिंदुस्तान में बनाया हुआ है, यहाँ पर अभी देखिएगा दीदी का दूध घूम रहा है गांव गांव में, क्या सुरक्षा कवच बना के आ रहा है ना, गांव गांव में घूमने चला जा रहा है, क्या कि हम लोग जाके गांव में रात को सोएंगे। कल हम वीडियो देख रहे थे, हमारा जिला सभापति जो है तृणमूल का कन्हैया लाल अग्रवाल, वो रजाई ओढ़ के सोए हुए है, कोट पैंट पहन के रजाई में घुसे हुए हैं। कौन आदमी रात को कोट पैंट पहन के सोता है भाई, कोट पैंट पहन के वो रजाई में घुसे हुए है, फोटो खींच लिया गया, वीडियो बन गया, वीडियो मोबाइल में आप लोग देख लिए और रजाई से निकला अपना घर इस्लामपुर चला गया। आप तो वीडियो देख रहे हैं कि वहां रात को सोया है रजाई ओढ़ के। तो ये सब जो नाटक है सिर्फ दिखाने के लिए लोगों को, ये आपको समझना होगा, ये दीदी का दूध सुरक्षा कवच के नाम पर आ रहा है क्योंकि अब दीदी को पता है कि उनको सुरक्षा कवच का जरूरत है। सुरक्षा कवच क्या होता है? सुरक्षा कवच का मतलब है कि आपको हर परेशानी से जो बचाएगा उसको सुरक्षा कवच कहा जाता है। तो यहां पर आपको जो लोग आ रहा है दीदी का दूध बन के सुरक्षा कवच के नाम पर, ये लोग आपको किस परेशानी से बचाया है हमको बता दीजिए।
जितना परेशानी आज इलाके में है वो सब परेशानी यही सुरक्षा कवच का दूत लोग किया है। आपका इंदिरा आवास कौन चोरी करता है? यही लोग, यही दीदी का दूत बोलिए या भूत बोलिए, यही दीदी का दूत लोग आके आपका इंदिरा आवास चोरी करके खाया। आपका गांव का मिट्टी कौन चोरी कर रहा है? यही दूत लोग कर रहा है। आपके यहाँ पर आके आपका बच्चा का कपड़ा कौन चोरी कर रहा है? कपड़ा चोरी किया सारा स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का जितना बच्चा का कपड़ा चोरी हुआ, ड्रेस सारा चोरी कौन किया? यही लोग किया। आपका यहाँ पर धान मंडी में जब पैसा लेके किसान का धान नहीं बेच पाए, आप लोग, वो कौन चोरी किया? यही दूत लोग किया। आपका पंचायत का जॉब कार्ड का पैसा कौन चोरी कर रहा है? यही दूत लोग कर रहा है। गरीब का पैसा मार के कौन खा रहा है? यही लोग खा रहा है। और यही लोग फिर आपका सुरक्षा कवच बन के आ रहा है। तो ये समझना होगा कि ये लोग सुरक्षा कवच आपका नहीं है, ये लोग आपके पास आके हाथ पैर जोड़ रहा है ताकि वो अपने आप को बचा सके कि हम जो 5 साल आपको लूट के खाए हैं, आपका आपको जो हम बर्बाद किए हैं, आपको नुकसान पहुंचाए हैं, उसका वजह से हम पर कोई नुकसान नहीं आए, कोई मुसीबत नहीं आए, इसलिए अभी सुरक्षा कवच बनाने के लिए घूम रहे आप लोग। अपने आप से आप लोगों से हमें ज्यादा वक्त नहीं है, क्योंकि हतिमारा में भी एक भी जाएंगे हम, वहाँ भी एक प्रोग्राम है, झाड़बाड़ी में कुछ आदमी अभी ज्वाइन करेंगे, तो फिर झाड़बाड़ी में जाके हम लोग को हाथीमारा चौक पर ज्वाइनिंग कराना है। तो ये जो अभी सरकार आप लोगों को तरह तरह का लुभाने का जो स्कीम दे रहा है ना, कि आपको बोलता है कि माँ बहन को बोलता है लक्ष्मी भंडार दे रहा है, कन्याश्री, रूपोश्री, सोबूत साथी, फ्री में राशन, ये सारा चीज जो आपको दिया जा रहा है ये सिर्फ आपको लुभाने के लिए, क्योंकि आपको चारों तरफ से सरकार लूट रहा है। अगर मेरी माँ बहन से पूछा जाए कि आपको 500 रुपया मिलता है, आज आप 500 रुपया नहीं पाती, तो आपका पहले जब आप नहीं पाते थे आपका बिजली का बिल कितना आता था? आज से साल भर पहले आपका बिजली का बिल कितना था? तो आप बोलिएगा महीना में 300 टका उस चीज। और आज आपका बिजली का बिल कितना है? महीना में 900 रुपया है, 500। तो ये बात को समझना होगा ना कि आपका बिजली का बिल पहले आज से कोई 1 साल 1.5 साल 2 साल पहले देखिए तो आपका बिजली का बिल पूरा घर का 100 रुपया 150 रुपया 200 रुपया आता था। आज आपका बीपीएल का बिजली फ्री था, आज बीपीएल वाले का घर में भी बिल आ जाता है 1500 रुपया का, आपके घर में आता है, बात नहीं सुना, ये आदमी हमको 500 रुपया दिया, उसको दुआ देके वो चला गया। तो ये जो हालत है ना, वही हाल है टीएमसी का, कि ये वही कलवा चोर है ममता बनर्जी, जो आपका चारों तरफ से पैसा चोरी करता है और फिर आपको 500 रुपया देता है। तो 500 रुपया आपको दे रहा है तो आपको ये समझना होगा कि कलवा चोर से बचना होगा। ये 500 रुपया देके आप अगर सोचिए, एक माँ से अगर सवाल करिए कि आपका बच्चा का स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, आपका स्कूल में टीचर नहीं है, आपका स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए किताब नहीं है, आपका स्कूल में बच्चे के लिए खाने का इंतजाम, मिड डे मील का सही इंतजाम नहीं है, बच्चे को जो कपड़ा दिया जाता है सरकारी तौर पर, आपका बच्चा को कपड़ा नहीं मिल रहा है, तो ये सारा चीज जब चोरी करके आपको 500 रुपया दिया जाता है, आप सोचते हैं कि ममता बनर्जी बहुत बड़का काम करी, 500 टका दिले। फिर बहुत से माँ बहन से पूछेंगे भुट्टा का दो वाके दूम चाहे दू, वो 500 टका दीछे, लेकिन वो 500 रुपया देके आपका बच्चे का हर चीज छीन ले रही है। आपका बच्चा कल अगर स्कूल में टीचर नहीं रहेगा, किताब नहीं रहेगा, कल स्कूल नहीं चलेगा, 500 रुपया लेते लेते आपका बच्चा जब 15 साल का हो जाएगा, तो वही बच्चा जब आपसे सवाल करेगा माँ ती मोक पढ़ा लो क्या नहीं, तब आप क्या बोलिएगा कि मैं 500 टका ली छीनू? तब क्या सवाल कीजिएगा बच्चे से कि मैं, तब क्या 500 रुपया मिलता था इसीलिए हम लोग ध्यान नहीं दिए? लेकिन वो 500 रुपया देके एक पूरे नस्ल को बर्बाद कर दिया जाएगा। तो इस नस्ल को बचाने की लड़ाई है, क्योंकि हमारा बाल बच्चा जो है घर में, ये अगर बच्चा बड़ा होकर अगर पढ़ा लिखा नहीं निकला, इन बच्चों के हाथ में अगर कलम और किताब नहीं पहुंचाया गया, तो हमारी बहनों को अगर तालीम नहीं मिला, तो हमारी बहन और हमारा भाई जो छोटा छोटा बच्चा है हमारे घर में, इन बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ गया, तो हम लोग जो तरक्की तरक्की करते हैं ना, वो तरक्की ना, ईंट पत्थर के मकान से तरक्की नहीं होता है। आपके पास पैसा आ गया, लॉटरी भी बहुत आदमी का लग जाता है, तो आपको 1 करोड़ का लॉटरी लग गया तो आप पक्का का महल बना लीजिएगा, चाहिएगा तो ताजमहल भी बना दीजिएगा, लेकिन उससे देखने में आपका घर खूबसूरत हो जाएगा, लेकिन उससे आपकी तरक्की नहीं आएगी जब तक आपके घर में बच्चों में अंदर तालीम नहीं आएगी। तो आप मकान बड़ा बना सकते हैं और घर में अगर पढ़ाई लिखाई नहीं हो, बच्चों में तालीम नहीं हो, तो उसका हिफाजत करना भी वो नहीं जानेगा, उसकी अहमियत को भी नहीं समझेगा। आप बनाइएगा, बहुत सब घर देखिएगा, पैसा वाला है घर बना दिया, पक्का का घर,
फुटानी दिखाने में हमारा सुरजापुरी आदमी का यहाँ हम गए हैं कुछ गांव में, तो बोले ग्वाली घर में भी टाइल्स लगा दिया है, गोबर जब करता है वो टाइल्स में करता है, क्या वो दिखाने ले गया एमएलए साहब, देख दी मोर ग्वाली घर में ओडा बोले चकचक बनाए दी। तो क्योंकि उसके पास पैसा है लेकिन समझ नहीं है कि कहाँ क्या लगाना चाहिए।